24 जून का जो दिन है वो बड़ा है, ये मीटिंग बड़ी है, इसकी योजना पूरी बनाई जा चुकी है, एजेंडा मीटिंग का तय है, टकराव है, टकराव के मुद्दे भी हैं, लेकिन ये सोच बड़ी है और अभी तक जो विरोध भी कर रहे थे इस मीटिंग का वो सब इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो हम आपको ये भी दिखाते हैं कि दरअसल इस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कश्मीर का फ्यूचर प्लान, क्या होगा इस मीटिंग का एजेंडा। पीएम मोदी की नई कश्मीर नीति में क्या है? क्या जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बनेगा? क्या जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने वाले हैं? सवाल बहुत हैं, अटकलें बहुत हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि पीएम की मीटिंग में क्या होगा, क्या बात होगी। सस्पेंस बहुत है, हलचल बहुत है, सावधानी भी बहुत है। पीएम मोदी की मीटिंग से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट है। लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड रहेगी। ये सब इसलिए क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाले एक्टिव हैं, मीटिंग को डिरेल करने वाले एक्टिव हैं, लेकिन मीटिंग तो फिक्स है और नेता भी दिल्ली के लिए निकल गए। महबूबा मुफ्ती शाम को ही फ्लाइट से दिल्ली आ गई। 24 जून की मीटिंग के 14 नेताओं में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। सीपीएम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का नाम है। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, तारा चंद और जी ए मीर का नाम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन, पीडीपी के पूर्व नेता मुजफ्फर बेग और अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी का नाम है। पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह और बीजेपी से रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का नाम है। पाकिस्तान के साथ बातचीत होना संभव नहीं है। बंदूक और बातचीत कभी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण देकर भारत में और जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कराकर यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को पिछले 35 वर्षों में लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पीओके में हैं, और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध छेड़ के रखा है। यानी कि आतंकवाद, इसलिए आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बंदूक और बातचीत कभी इकट्ठे एक साथ नहीं चल सकते। जम्मू में तो महबूबा मुफ्ती का विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान वाले बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये कहा गया कि महबूबा को मीटिंग में बुलाया ही क्यों गया, बार बार केंद्र के ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों की जाती है, इसलिए हम आज इनका विरोध कर रहे हैं और केंद्र से ये मांग कर रहे हैं कि इनको जो गैंग को वहाँ केंद्र की वार्ता से बाहर किया जाए, इनकी कोई भी बात जो है वो नहीं सुनी जाए। ये महबूबा मुफ्ती दिल्ली बुलाने वाली नहीं है। इस महबूबा मुफ्ती को दिल्ली मत बुलाओ प्रधानमंत्री जी, जिसको पाकिस्तान याद आ रहा है। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो, जो पाकिस्तान की बात करता है। जम्मू में ऐसे कई संगठन हैं, ऐसी कई पार्टियां हैं जो पहले से ही नाराज हैं कि जम्मू कश्मीर पर बड़ी मीटिंग में जम्मू की अनदेखी हुई और कश्मीर का राजनीतिक तुष्टिकरण किया जा रहा है। लेकिन ऐसे आरोप और इस नाराजगी के बावजूद केंद्र 24 जून की मीटिंग पर डटा है। कश्मीर के नेताओं ने भी कोई अड़ंगा नहीं डाला और मीटिंग में आने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इज गोइंग फॉर अ डायलॉग, इट इज अ डायलॉग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट्स एन इंक्लूसिव डायलॉग। And we are very hopeful that this dialogue will lead to betterment of the state of Jammu and Kashmir, peace, progress, prosperity of Jammu and Kashmir. We are for Jammu and Kashmir, for the people of Jammu and Kashmir. We are not here for any power politics. We are here for the people of Jammu and Kashmir, and we will always stand for the people of Jammu and Kashmir. सबको यही उम्मीद है कि कोई नया रास्ता निकलेगा। अगर पीएम ने दो साल में पहली बार जम्मू कश्मीर की राजनीति के हर अहम चेहरे को चर्चा के लिए बुलाया है तो कोई बड़ी प्लानिंग जरूर की गई होगी। डीलिमिटेशन पर चर्चा होने की बात सभी कर रहे हैं। पीएम की मीटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग ने भी जम्मू कश्मीर के हर जिले के डिप्टी कमिश्नर से वर्चुअल मीटिंग की। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। तो देखिए किस तरीके से पहले जब ये बातचीत की पेशकश की गई थी तब सबको ये डाउट था कि क्या महबूबा मुफ्ती उसका हिस्सा बनना चाहेंगी या फिर नहीं बनना चाहेंगी, लेकिन आखिरकार महबूबा मुफ्ती ने अपना एजेंडा भी उसमें चलाने की कोशिश की, पाकिस्तान का नाम लाने की कोशिश की और अब वो दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं। जिस फ्लाइट से वो आ रही थी उसमें हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी मौजूद थे, उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए उसका अंश।
गुरुवार यानी कल प्रधानमंत्री की तरफ से दो साल बाद कश्मीर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, ऑल पार्टी बैठक है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल दिल्ली पहुंच गए हैं। सिर्फ मात्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। हम इस वक्त उसी जहाज में हैं जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती दिल्ली के लिए रवाना हुई श्रीनगर से, और साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उन्ही की मांगों को लेकर पूरा जो ये फोकस है प्रधानमंत्री की साल पार्टी मीटिंग का है। महबूबा जी बात नहीं करना चाहते हैं मीटिंग से पहले, लेकिन फिर भी हम उनसे जानना चाहेंगे। महबूबा जी, दरअसल आपने जो कल कहा कि हम खुली मन और खुली बात लेकर दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या पहले आप ये मन बना रहे थे कि सिर्फ डॉक्टर साहब को गुपकार एलएस की तरफ से भेजा जाए? ये काफी देर से फैसला हुआ, कल आपने कहा कि नहीं चलो मैं भी चलती हूँ, तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप खुले मन से जा रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। थैंक यू। नहीं, एक ही बात जानना चाहेंगे, आपकी मांगे काफी बार बार कल, वैसे महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी तरफ से पूरी बात जो है सामने रखी है, वो जो चाहती है उन्होंने मीटिंग के बाद ही उसका खुलासा किया था कि खास तौर से तीन महत्वपूर्ण मांगे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, अगर कश्मीर में अमन लौटाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार को कुछ पहल करनी पड़ेगी, जैसे कि जो लोग जेलों में हैं, जो कल भी महबूबा जी ने बात कही कि उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ जो कश्मीर में व्यवसाय बैठा है, पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगातार कई महीनों तक कश्मीर बंद हो जाने से और बाद में फिर कोरोना वायरस से। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि डायलॉग, वो बिलीव करती है, वो उनकी पार्टी का बेसिक फंडामेंटल है, और जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार भी चलती थी तब भी उनका इसी बात पर जोर था कि बातचीत से ही मुद्दों का निपटारा होगा, चाहे फिर वो बातचीत हुर्रियत नेताओं से हो या फिर पाकिस्तान से। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, दिल्ली, श्रीनगर से दिल्ली जाने वाले जहाज से आज तक।